दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में सोफिनॉक्स क्रीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम दी जाती है, किस तरह से काम करती है, कितनी बार लगाई जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जानेंगे सब कुछ। देखिएगा, देखिए सोफिनॉक्स क्रीम एक ब्रांड नेम है एपेक्स कंपनी का, एपेक्स कंपनी बनाती है दोस्तों। हर दवाई की दुकान पर ये इजीली मिल जाती है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है और अच्छी कंपनी भी आती है एपेक्स। देखिए इसको स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बात करें भाई कहाँ यूज करती है, तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसके अंदर आता है ए सोडियम फ्यूसिडेट 2%, टॉपिकली है, लगाई जाती है स्किन के ऊपर। तो अगर फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर, स्किन की त्वचा गल गई है, इन्फेक्शन के कारण लाल रहती है, खुजली चलती है, तो वहाँ लगाई जाती है। कट गया स्किन, घाव हो गया है, घाव के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर ये घाव को भरने के लिए भी एंटीबायोटिक है काम आती है। फुंसी की प्रॉब्लम है भी, फुंसी के ऊपर लगा सकते हैं दोस्तों। कभी कभार डर्मेटोलॉजिस्ट इसको एक्नी प्रॉब्लम में भी दे सकते हैं अदर ऑइंटमेंट के साथ मिक्स कर। चेहरे के ऊपर भी कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इचिंग चलती है, किल मुहासे आते हैं, रेडनेस ही रहती है स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर लगाई जाती है, हल्की हाथों से रगड़ना नहीं है। बात करें भाई मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो दोस्तों फ्यूसिडिक एसिड इसके अंदर आता है, वो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। कई बार ये उन प्रोटीन को भी रोक देता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया अपनी जनसंख्या अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो परमानेंटली खत्म हो जाते हैं, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। डोज की बात करें तो दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं आप हल्की हाथों से, उतने ही एरिया में लगाना है जितने एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है। जाने इसके साइड इफेक्ट तो देखिए थोड़े बहुत हो सकते हैं इस क्रीम के लगाने के बाद, जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्निंग प्रॉब्लम हो, इरिटेशन होने लगे, इचिंग चलने लगे, पेन जैसा कुछ महसूस हो लगाने के बाद, स्किन लाल हो जाए, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये हर किसी को नहीं होते, घबराने की बात नहीं, बहुत ही कम चांस में ही होते हैं। सावधानी यही कहूँगा कि डॉक्टर की सलाह ही लेना है, लगाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है दोस्तों, स्किन को भी साफ करके ही लगाना है इस क्रीम को सूखने के बाद। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीड में भी डॉक्टर की सलाह से लगाना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो इसका संपूर्ण रिव्यू सोफिनॉक्स क्रीम के बारे में, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।